आखिरकार कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार ने कुर्सी पर बिठा ही दिया, क्योंकि सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी कराने में मदद जो की थी। वैसे आपको याद ही होगा कैसे सिंधिया कई समर्थकों और विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होकर सिर्फ 15 महीने में ही मध्य प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। और तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और आज सिंधिया का सपना सच भी हो गया। लेकिन उनके मंत्री बनाए जाने के बाद अब लोग उनके पुराने बयानों के जरिए उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास नहीं गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय, प्रधानमंत्री के पास नहीं किसान के कुटीर में जाने के लिए समय, लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। प्रधानमंत्री को समय है चीन का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झूला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। उस नौजवान की जिसको मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। आज मेरा किसान देश में परेशान, राज बब्बर जी ने आपको सुनाया आलू के किसान की स्थिति, लागत का दाम कहते थे हम लागत का दाम आधा करेंगे, आपका समर्थन का मूल दुगना करेंगे। आज क्या स्थिति हो गई, किसान का लागत का दाम दुगना, समर्थन मूल आधा। आलू का दाम 600 रुपया प्रति क्विंटल भी नहीं मिलता, और वो प्रमोद शर्मा खड़ा है यहाँ जिसने 490 रुपया का मनी ऑर्डर प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेजा। दरअसल नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास किसान की कुटीर में जाने का समय नहीं है, उनके पास पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने का पूरा समय है। सिंधिया ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को समय है कि चीन का राष्ट्रपति आता है तो साबरमती के तट पर झूला झूलाकर खंडवे और ढोकले खिलाने का समय मिलता है। साथ ही सिंधिया ने कहा पीएम मोदी ने कहा था कि हम लाएंगे युवाओं के लिए अवसरों का बाजार, लेकिन लेकर आए हैं पान और पकौड़े वाली सरकार। जैसे आपको बता दें उनका ये वीडियो कांग्रेस युवा कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वहीं उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अब सिंधिया जी भी बिरयानी खाने मोदी जी के साथ पाकिस्तान जाएंगे। हालांकि इस वीडियो पर आम जनता भी अपनी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रही। दरअसल थिंकिंग गाय नाम के ट्विटर हैंडल से नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा गया है कौन कमबख्त कहता है मोदी जी अपने आलोचकों को पुरस्कृत नहीं करते, देखिए सिंधिया जी अब मंत्री बने ना। वहीं रोशन नाम के एक यूजर मंत्रिमंडल विस्तार पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं इन सभी को भी निकालेंगे कुछ दिन बाद, जब किसी घर में 3-4 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो वे कुछ दिन बाद जिद करते हैं, फिर माँ बाप फेरा फेरी देते हैं खिलौना मनाने के लिए, वही हाल यहाँ है, जो रोया उसे खिलौना थमा दिया। वहीं अभिमन्यु नाम के यूजर लिखते हैं चमचे हैं चमचों की भाषा ही बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।